जिला गांधरबल के लोगों के लिए एक अहम खबर है और एक बड़ी खबर है। इस खबर को आप गौर से देखिए और गौर से सुनिए। आपको बताने चले कि खबर यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन की तरफ से एक ऑर्डर नामा जो है वो इजरा किया हुआ है जिला गांधरबल के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने नदी नालों और कलों पर नाजायज तैमरात किया हुआ है, यानी कि नाजायज तैमरात के साथ साथ पेड़ पौधे जो है वो नदी नालों कलों पर नाजायज तरीके से लगाए हुए हैं, उनके लिए एक अहम ऑर्डर नामा जो है वो जारी किया गया है कि उनको 7 दिनों के अंदर अंदर नाजायज तैमरात को वहां पर हटाना है। अगर नहीं वो हटाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो द कश्मीर सीक्रेट और मैं एजाज तांत्रे। नाज़रीन करम, इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको आगाह कराते हैं जो खबर वस्ती कश्मीर जिला गांधरबल से सामने निकलकर आ चुकी है। आपको बताना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ इरीगेशन की तरफ से एक ऑर्डर नामा जो है वो इजरा किया हुआ है कि गांधरबल के उन लोगों के लिए जिन्होंने नाजायज तरीके से नदी नालों कोलों पर तैमरात किया हुआ है, यानी कि पेड़ पौधे जिन्होंने नदी नालों पर लगाए हुए हैं उनके लिए ये अहम खबर है। उनको 7 दिनों के अंदर अंदर आज खुद वहां पे नाजायज तैमरात को हटाना है वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक प्रेस नोट जो है वो ऑर्डर में इजरा किया है, एक प्रेस नोट जो है वो इजरा किया हुआ है कि इसमें से साफ तौर पर ये भी लिखा गया है कि जिस शख्स ने तैमरात नाजायज तरीके से तैमरात किया हुआ है अगर 7 दिनों के अंदर अंदर उस नाजायज तैमरात को वहां पर ना हटाया गया तो डिपार्टमेंट ऑफ इरीगेशन वहां पर जाएगी, उस नाजायज तैमरात को वहां पर हटाएगी, लेकिन जो भी खर्चा उसमें आ जाएगा, मशीनरी का खर्चा जो भी आ जाएगा वो उसी शख्स को वहां पर खर्चा उठाना पड़ेगा जिस शख्स ने वो नाजायज तैमरात किया हुआ होगा। एक तो खर्चा उठाना पड़ेगा, दूसरा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बहरहाल इस वक्त की एक बड़ी खबर है जो वस्ती कश्मीर से गांधरबल के लोगों के लिए एक अहम खबर है, जिन्होंने भी एक बार फिर से आपको बताना चाहिए कि जिन्होंने भी नाजायज तरीके से नदी नालों कोलों पर तैमरात किया हुआ है, यानी कि पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन भी की हुई है नाजायज तरीके से, उनको 7 दिनों के अंदर अंदर ये मोहलत दी गई है कि 7 दिनों के अंदर अंदर आज खुद वो नाजायज तैमरात को हटाए वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उनको जुर्माना भी आयद किया जाएगा। बहरहाल ये एक शख्स की एक बड़ी खबर थी, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी लगातार आपको और भी अपडेट देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह निगेवान।